आदाब। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कौरमा, कौरमा शोरबा। टाइट वाला देखना चाहे तो हमारे चैनल पर डाला हुआ है। एक ये है शोर, थोड़ा सा पतला होता है, ये हैदराबादी स्टाइल का होता है, तो थोड़ा पतला वाला कौरमा हम बनाने वाले हैं। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में बड़ा टेस्टी होता है। तो ये हमारे पास एक पूरा चिकन है 1 किलो का। इसके अलावा इसमें थोड़े से मसाले जाने वाले हैं। तो हमारे पास ये 3 चम्मच लहसुन अदरक और वाइट प्याज का पेस्ट है। आप जानते हैं किस तरीके से बनेगा, हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। इसके अलावा हमारे पास 3 चम्मच ये कैरामलाइज्ड अनियन है। प्याज को हमने बारीक काट के तल लिया है, तलने के बाद हमने इसको बारीक कूट लिया है। किसी भी चीज से आपके पास हावन दस्ता हो, सील हो, जो भी चीज हो, इस तरीके का कूटना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है शोरबे वाले में, जब हम शोरबा छोड़ते हैं अपना, तो ये प्याज बड़ी हो जाती है तो वो शोरबे में नजर आती है, तो वो अच्छी नहीं दिखती। तो थोड़े से मसाले जाएंगे इसके अंदर। ये मिर्च, धनिया है, चुटकी भर हल्दी है, और 1/2 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच नमक है, और 3 से 4 लौंग इलायची। और ये रहा हमारे पास वेजिटेबल ऑयल, हमारा गरम हो रहा है। आप चाहें तो देसी घी में बना लें। वेजिटेबल ऑयल में जरा क्या होता है, हम बचा हुआ रखते हैं तो वो जमता नहीं है, तो थोड़ा अच्छा होता है। तो ये देखें, ये रही लौंग इलायची हमारी इसके अंदर, और इसी में हम फटाफट डालते हैं अपना चिकन। आप बहुत से चिकन डाल के इसके अंदर से निकाल लेते हैं, फिर मसाले भूनते हैं, हम चिकन इसी में छोड़ देंगे और इसी में अपने मसाले डालेंगे। ये गया हमारा तमाम चिकन इसके अंदर। हीट थोड़ी तेज होनी चाहिए, जो अच्छे से इसका कलर आएगा। इतनी देर हम इसको चलाते हैं, भूनते हैं, फिर कोने शामिल करते हैं सबसे पहले अपना लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। ये देखें कितना बढ़िया से, जिस जो गोटी भी पलट रही है ऐसा व्हाइट कलर आ रहा है। ऐसा व्हाइट कलर आना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे चिकन की जो एक चिकनी स्मेल होती है वो निकल जाती है। ये देखें हमारा चिकन में कितनी अच्छे से भुनने की आवाज़ आ रही है। तमाम चिकन का कलर बिल्कुल व्हाइट हो चुका है, यानी कि ये हल्का हल्का भुन चुका है। हमें ऐसा ही ये चाहिए था। अब हम इसमें डालते हैं ये हमारा लहसुन अदरक और वाइट प्याज का पेस्ट। सबसे पहले हम इसे डाल के भूनेंगे। इतने हम इसको डाल के भून रहे हैं। हीट हमारी तेज ही होनी चाहिए, जितनी तेज होगी इतना अच्छे से भुनेगा। तो इतने हम एक मसाला तैयार करते हैं। तो मसाले के लिए हम सबसे पहले लेने वाले हैं ये धनिया। आप चाहे तो डायरेक्ट भी डाल दें चिकन में, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए हम अलग से दिखा रहे हैं। ये 1 टीस्पून और 1 चम्मच ही और लेते हैं, हम शोरबे वाला बना रहे हैं। तो ये 2 चम्मच हमने धनिया ले लिया, और 1 टीस्पून हम लेंगे ये मिर्च, हमारी थोड़ी सी कम कर लें 1 टीस्पून से। और इसके अलावा जो हमारे पास ये दही है, हम इस दही को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। कोई मलाई का पीस हो उसे निकाल लें, ये बाद में दिखाई देते हैं, शोरबे में तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको अच्छे से चला लें, चाहे तो ग्राइंडर में भी घुमा लें। वैसे ये चम्मच से भी अच्छी दही होती है, बढ़िया दही होती है, टाइट दही होती है, तो ये इससे भी घुल जाती है। तो ये देखें हमने इसके अंदर डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी इसी के साथ साथ हमें हल्दी भी डालनी है इसी में, क्योंकि हम इसकी एक तरीके से भुनाई करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून नहीं, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम ये गया जीरा इसके अंदर। हम इसको फिर से भूनेंगे, और फिर से मसाला भुनने की आवाज आ जाने पर हम इसमें दही और मिर्च धनिया शामिल करेंगे। 1 मिनट हमने पहले अपने चिकन को भून लिया था, और 1 मिनट फिर से इसको लहसुन अदरक डालने के बाद हो गई है। तो हम अब डालने वाले हैं इसके अंदर ये दही, जो हमारे पास ये 200 ग्राम दही है, और ये गया इसके अंदर मिर्च धनिया। हल्दी हम डाल चुके हैं, तो हम इसको अच्छे से फेंटते हैं और फटाफट से डालते हैं। हम कुकर में पका रहे हैं, वैसे आप चाहें तो कढ़ाई हो आपके पास, कोई भिगोना हो उसमें पका लें। हम कुकर का ढकना नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ कुकर में पका जरूर रहे हैं। तो ये देखें हम बनाते हैं मसाला, बहुत ही बढ़िया सा ये, और ये चिकन करीब करीब थोड़ा सा ही पानी डलता है इसके अंदर, वरना ये बिना पानी के ही तैयार हो जाता है। इसमें आप 2 तरीके का चिकन एक साथ बना सकते हैं। एक तो भुनवा चिकन बड़े आराम से निकाल सकते हैं, किसी को शोरबे वाला पसंद हो तो उसी में से
थोड़ा सा निकाल के आप शोरबे वाला बना सकते हैं। तो ये देखें, ये गया मसाला हमारा टाइट सा, बढ़िया सा इसके अंदर। और ये थोड़ा सा हम बाउल में हिला के पानी इसमें डालेंगे। इसी के साथ साथ हम ये नमक भी डालेंगे, 1 टीस्पून नमक या इससे थोड़ा सा कम सही रहेगा, क्योंकि जब शोरबा छोड़ेंगे तो शोरबे का नमक डालेंगे। हम इसमें गरम मसाला भी अभी ही ऐड करेंगे। अब हम इसको हिलाते हैं और ये हम हटाते हैं चमचा। ये हमने उसका तमाम दही मिला दी इसके अंदर और हम इसमें आधा खुला सा ढकना रखेंगे। पूरा ढकना ढक देंगे तो हमारा चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, खोल के हम पकाना नहीं चाह रहे, तो हम ये आधा खुला सा ढकना यूँ छोड़ देते हैं। और थोड़ा सा पानी हम ये, ताकि हमारे मसाले जो हैं ये ज़रा से भी वेस्ट ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा यूँ घुमा के पानी इसमें डालेंगे। वैसे ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन ये मसाला जो इसमें चिपका हुआ है ये अच्छे से ये निकाला। और हम ये 2 टीस्पून के करीब ये पानी हम डाल रहे हैं। तो ये खोल के पकाते हैं इसको, टाइम के हिसाब से देखो तो 4 मिनट के करीब या 4.5 बस। ये हमारा चिकन 4 मिनट हो गए इसको पकते हुए, इसकी मीडियम हीट से थोड़ी तेज हीट पर पक रहा है ये। अब देखें ये भुनाई पर आ गया है, तमाम तार ऊपर आ चुका है और ये अभी भी इतना टेस्टी और इतना बढ़िया है ये। लेकिन हम इसके अंदर थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसी के अंदर भी शोरबा छोड़ लें, प्याज नहीं डालना चाहते, बंदे ज्यादा हैं घर में या पतला शोरबा पसंद करते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इसके अंदर जितना चाहें शोरबा छोड़ के इसको आप खा सकते हैं। लेकिन हम इसके अंदर ये कैरामलाइज्ड अनियन डालेंगे। और ये डालने के बाद अभी आप देखेंगे कि हमने अपना चिकन खोल कर पका रहे थे, लेकिन अब हम इसको ढक के 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे। ये चिकन पकाने में बड़ा आसान होता है, जो आप प्याज पहले से तल के रख लें, जैसे कि आप 2 से 3 दफ़ा की प्याज एक दफ़ा तल के रख सकते हैं, तो ये 10 मिनट में चिकन आपके दस्तरखान पे आ जाएगा। 10 मिनट में दम का टाइम भी आप उसी में ऐड कर दो 2 मिनट का, तो बिल्कुल 10 मिनट में ये आपके दस्तरखान पे, जहां आपको उबाल ज़्यादा है वहां आपको ये प्याज डाल के, और जैसा हम खोल के पका रहे थे अब हम इसको ढक के 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे, फिर इसकी हीट को हम बंद कर देंगे। तो ये अपनी स्टीम में ही फिर रखा रहेगा। तो 2 मिनट पहले पकाया, 4 मिनट हम अब पका रहे हैं, 1 से 1.5 मिनट हम फिर से पका रहे हैं। ये देखें हमने अपने चिकन को 1.5 मिनट पकाया था, 2 मिनट से इसको इसी की स्टीम में छोड़ दिया था। जैसा हमने ये डाला था आप देखेंगे ये हमारी कैरामलाइज्ड अनियन कितने अच्छे से बिल्कुल मसाला बन गई है। बस हमें इसको इसमें यूँ हल्के से यूँ हिलाना है। ये देखें बड़ी आसानी से बस ये यूँ हिला दिया। ये हमारा कोरमा, जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा ये दिल्ली साइड यूपी साइड बनता है, ये बिल्कुल तैयार है। हम आपको ये निकाल के दिखाते हैं। एक हैदराबादी जो चिकन होता है वो क्या करते हैं, इसको अनियन डालने के बाद थोड़ी सी कैरामलाइज्ड होने के बाद उसको बहुत अच्छे से भूनते हैं, फिर भूनने के बाद उसमें वो पानी छोड़ते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये आप देखें बिल्कुल ये भुन चुका है, हम ये निकाल लेते हैं खाने के लिए। और इसी के साथ साथ हमने अपना 300 मिलीलीटर पानी उबलने के लिए रख दिया है, हम वो पानी इसमें डालेंगे। आप चाहें तो चिकन में डाल के भी उबाल लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको दिखाने की वजह से अच्छे से जल्दी से हमने पानी उबलने रख दिया है। पानी वैसे आप भी उबाल कर ही डालें, उससे आपके भी 2 फायदे हैं। ये देखें हमने ये आधा चिकन बचा लिया है, ये हमारे एकदम उबला हुआ पानी है, आप चाहें तो चिकन में भी डाल के उबाल लगा सकते हैं। ये देखें हमारा चिकन कितना बढ़िया शोरबे वाला तैयार हो गया है, ये भी बहुत अच्छा होता है। और प्याज इसमें बिल्कुल ऐसी घुटी हुई होनी चाहिए जैसे ये हमारे शोरबे के अंदर है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी और भी डाल लें, पानी की कोई वो नहीं है कि इतना ही हो या कम हो। अब इसमें हमारा थोड़ा सा नमक जाने वाला है, 1 चुटकी, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब हम इसे भी निकालते हैं। अब आप चाहें तो ये शोरबे वाला, इसमें पानी डालने के बाद आप चाहें तो उबाल लगा लें, वैसे हमारा पानी बिल्कुल उबला हुआ था, इसमें उबाल की भी ज़रूरत नहीं है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा तो इसलिए हमने आपको ये दिखाना था। इस तरीके से बना लें, और एक तरीका मैंने आपको पकाने में बता दिया था,
एक ही चिकन को जब आप चाहें तो कितने तरीकों से बना सकते हैं, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक टाइम में टाइट वाला चिकन जो साइड में रखा हुआ है वो बना लें, जो बच जाए अगले दिन या दूसरे टाइम उसमें पानी डाल के आप इस तरीके का शोरबे वाला भी बना सकते हैं। तो जब आता होगा आपको सब कुछ तो बनाने में दिल भी लगेगा और बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये देखें कितना आसान है, और ये आप चावल के साथ भी खा सकते हैं ये शोरबे वाला। तो इस तरीके से हमारे ये दोनों चिकन, एक चिकन ला के दो दो चिकन का जायका खुद भी लें, बच्चों को भी दें, हमसे जुड़े, हमारी हौसला अफजाई करें, तेल अपने हिसाब से डाल लें। अल्लाह हाफिज़। ये हमारा एक नींबू का रस है जो मैं आपको दिखाना भूल गई, ये आप कुकर में ही डाल लें, और ये देखें इसके ऊपर डाल लें, ये आपने कुकर में डालना है, तो कुकर में तभी डाल लें जब आपने पानी डालने से पहले। ये बड़ा टेस्टी हो गया है ये।